हाँ दोस्तों, फाइनली आप लोग के लिए बिहार बोर्ड ने घोषणा कर दी है इंटर व मैट्रिक की परीक्षा तिथि। ठीक है, तो किस किस तारीख को इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होगी ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि लिख रहा है कि घोषणा इंटर 1 से और मैट्रिक का परीक्षा 17 फरवरी से होगी और प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि आपका इंटर परीक्षा 1 से 14 फरवरी वाला होने 14 फरवरी तक होने वाला है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि इंटर की परीक्षा 1 से 14 फरवरी होगी और 1 फरवरी को गणित है और द्वितीय पाली में हिंदी है। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं आपका पहला पाली में दूसरा विषय है और दूसरा पाली में दूसरा विषय का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंटर का प्रायोगिक परीक्षा कब से कब है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटर इंटर प्रायोगिक परीक्षा है 10 से 20 जनवरी के बीच सभी स्कूल कॉलेजों में होगी। ठीक है, आपका स्कूल और कॉलेज जहाँ है वहाँ पर इंटर इंटर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और आते हैं आपका क्लास 10th का रूटीन कब से कब है, तो देखिए क्लास 10th का मतलब मैट्रिक का परीक्षा आपका 17 से लेकर 24 फरवरी तक होगा। 17 से 24 फरवरी तक आपका होगा। ठीक है, 17 से 24 है मतलब कि 14 फरवरी तक इंटर का एग्ज़ाम चलेगा और उसके बाद 17 से लेकर 24 फरवरी तक मैट्रिक का एग्ज़ाम होगी। ठीक है, और जिसमें 17 फरवरी को गणित है और द्वितीय पाली में भी गणित होगा और 18 फरवरी क्या हो गया विज्ञान और दूसरी पाली में विज्ञान होगा। और ये जो पाली दिखाई दे रही है ये पाली आपका इसका समय भी दिया हुआ है कि प्रथम पाली का समय कब से कब होगा और द्वितीय पाली का समय कब से कब होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम पाली का समय है सुबह 9:30 बजे से लेके 12:45 तक चलेगा। ठीक है, 9:30 से लेके 12:45 चलेगा, 9 3 12 3 घंटा और 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। और दूसरी पाली जो होगा वो 1:45 से लेके शाम 5 बजे तकला होगा। ठीक है, और आपका मैट्रिक का प्रायोगिक परीक्षा, मैट्रिक का परीक्षा वगैरह देख लिखा है कि मैट्रिक का आंतरिक मूल्यांकन 20 से 22 जनवरी तक होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का, और बोर्ड का इसमें भी लिखा हुआ है कि सभी को 25 जनवरी तक भेज देना होगा अंक, है ना, जितने भी इसके अलावा जितने भी अंक होंगे प्रायोगिक परीक्षा का अंक क्या है लिखा हुआ है कि विज्ञान संगीत नृत्य ललित कला प्रायोगिक परीक्षा के अंक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 25 जनवरी तक स्कूलों और कॉलेजों को भेजना होगा। ठीक है, और संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय 27 28 तक इसे बिहार बोर्ड को भेज देना है, बिहार बोर्ड को भेज देगा। ठीक है, इस तरह देख सकते हैं। और इसी तरह आपका दृष्टिबाधित छात्रों के प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, आपका क्या हो रहा है यहाँ पर लग रहा है प्रति घंटा 20 मिनट में, है ना, प्रति घंटा पे क्या हो गया दृष्टिबाधित छात्र जो भी है उसको 1 घंटा पे 20 मिनट का अतिरिक्त टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे पूछा देखो प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा किसके, दृष्टिबाधित इस विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, और इनके लिए दृष्टिबाधित के लिए प्रायोगिक परीक्षा का जो कॉपी है लिखा हुआ है कि दृष्टिबाधित परीक्षा के लिए पूर्व किस भांति विज्ञान संगीत गणित स्थान पर गृह विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी और ये परीक्षा 17 से 18 फरवरी को होगी। 17 फरवरी को गृह विज्ञान एवं पाठ्यक्रम संगीत परिवार होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का आपका फाइनली डेट आ चुका है, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ कुछ भी ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपसे, इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।